अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको वाइट चिकन कोरमा बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है, प्याज 3 ली हैं चॉप्ड कर ली हैं, 1/2 कप ऑयल, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 टेबल स्पून वाइट कोरमा मसाला, हरी मिर्च जिसको मैंने पीस लिया है, 1/2 कप दूध, 1 पाव दही। वाइट कोरमा मसाला बनाने के लिए आपको जिन मसालों की ज़रूरत है उसमें है काली मिर्चें 15 से 20 अदद, साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, बादाम 20 बॉईल कर लिए हैं छिलका उतार कर पीस लिया है, नमक 1 चाय का चम्मच, सिट्रिक एसिड या टार्टरी 1/2 टीस्पून, हल्दी पिंच, जायफल जावित्री 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 चाय का चम्मच। इन तमाम मसालों को हमने पीस लिया है। उसके बाद साबुत मसालों में 3 काली मिर्चें, दालचीनी 2 अदद डाली हैं और कोरमा मसाला तैयार है। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट से, जो कि मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। वाइट चिकन कोरमा मसाला 4 टेबल स्पून भर के डाल देंगे। उसके बाद हरी मिर्चें जो कि मैंने पीस ली थी 4 अदद, ये आपके टेस्ट पर है, अगर आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। इसको 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। अब हम एक डेगची में 1/2 कप ऑयल लेंगे और इसमें 3 अदद प्याज जो मैंने चॉप कर ली थी वो डालेंगे और फ्राई करेंगे। लेकिन इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये वाइट कोरमा है तो इसको हमने हल्का सा सौते करना है ताकि प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, प्याज हल्का सा ब्राउन हुआ है, ज्यादा नहीं इसको ब्राउन करना। अब मैं इसको एक ब्लेंडर में निकालूंगी और 1 पाव दही के साथ ब्लेंड कर लूंगी। अब ऑयल में मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे तरीके से। जी व्यूअर्स, तो देखें चिकन अच्छे तरीके से भून गया है। अब मैं इसमें ब्लेंड किए हुए प्याज और दही को शामिल कर देती हूँ। इसके बाद इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि मसाले में भी नमक था। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसको 15 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। जी तो देखें व्यूअर्स, हमारा कोरमा ऑलमोस्ट तैयार है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इस सबसे आखिर में इसमें दूध शामिल कर रहे हैं। जितनी आपने इसमें ग्रेवी बनानी है उतना दूध शामिल करें। दूध और जाएगा इसमें। अब इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारा वाइट चिकन कोरमा तैयार है जिसको मैंने बादाम से गार्निश किया है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।